सीरीज ऑफ इवेंट्स हमारे यहाँ चल रहे हैं मॉर्निंग से, देखा रन फॉर यूनिटी थी, देन यहाँ हमारी प्लेज हुई राष्ट्रीय एकता दिवस पर, और उसके बाद पूरे टाउन में एक रूट मार्च किया गया है जिसमें नेशनल फ्लैग और प्ले कार्ड्स लेके हमारे जवान सेरेमोनियल ड्रेस में विभिन्न जगहों से गुजरे हैं सेंड मैसेज। और उसके बाद अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट जेस्चर जो हमारे सभी जवानों ने खुद ही सुजेस्ट किया कि सर हमें ब्लड डोनेशन कैंप रखना चाहिए, तो हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अथॉरिटीज से बात करके उनके डॉक्टर से मंगवाए, पुलिस लाइन में आज हमारे जवान लाइन लगी हुई है, ब्लड डोनेशन के लिए तैयार हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं। सो दैट एक बिसाइड्स सेंडिंग ए मैसेज दैट वी स्टैंड फॉर यू नो सोसाइटी, एक ये मैसेज भी जाए कि ब्लड देना चाहिए, और ब्लड देने से कभी किसी की सेहत खराब नहीं होती बल्कि तंदुरुस्त होता है हर इंडिविजुअल। जो आरबीसीज हैं इनका नॉर्मल एज 120 डेज होती है, तो उसके बाद वैसे भी उसकी अपनी एक्सपायरी डेट है, तो इसलिए ब्लड डोनेट करते रहेंगे चार महीने के बाद, उससे किसी न किसी को ज़रूरत जब हॉस्पिटल में पड़ती है मजबूर इंसान को, उसकी हेल्प भी हो जाती है। सो ह्यूमैनिटी को ऊपर रखते हुए हमारे ऑफिसर्स हमारे जवान्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, सो मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं, और ये भी रिक्वेस्ट करता हूं जनरल पब्लिक से कि हॉस्पिटल में जाके हमेशा पेशेंट्स को नीडी पर्सन्स को ब्लड डोनेट करके एक सबसे बड़ी पुण्य का काम करें। तो आज के इस दिवस पर मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और प्लेज करते हैं कि खासकर जो करप्शन के अगेंस्ट फाइट है हमारी वो चलती रहेगी, और यूनिफिकेशन ऑफ द नेशन इंटेग्रेशन का काम वो चलता है। थैंक यू सर।